आप हॉल में क्यों लेटे हुए? लक्ष्मी, भानु को भेज दोगे तो मैं चला जाऊंगा अंकल। सगाई हो जाने तक वो लड़की यहां रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भेज दूंगी, उसे यहां से जाने को कहो। ए, तुम यहां आओ। अपने घर में उजाला चाहते हो तो पड़ोस के घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए अंकल। आप भेज रहे हो या मैं खुद ले जाऊं? तुम यहीं रुको, मैं भानु को लेकर आता हूं। रुको बेटा, बाहर आओ, लेकर जाओ इसे। चलो भानु। कहाँ भैया? तुम पीछे क्यों हट गए भैया? मुझे लगा था कि तुम और अनु शादी कर लेंगे, तो पीछे क्यों हट गए? अंकल को बुरा लगेगा इसलिए? अंकल जी, अंकल जी की वजह से आज अनु को क्या हुआ भैया? हम जब बचपन में कैरम खेल रहे थे तब माँ ने कहा था कि दूसरों की खुशी के लिए अपनों को कभी नहीं रुलाना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, आंटी के सामने अंकल को झुकना पड़ेगा इसलिए अनु को रुला दिया। उस दिन पापा ने जो गलती की वही आज मैं कर रहा हूँ। आंटी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद दे दी, अंकल शर्मिंदा ना हो इसलिए अनु को वापस दे दिया मैंने। अपनी खुशी हमें अपनों में ही ढूंढनी होती है, दूसरों की खुशी में नहीं। थैंक्स भानु, थैंक्स। बस एक मिनट भानु। अगले आधे घंटे में सारी डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैडम। अनु। हाँ। एक बात करनी है। प्लीज। तुम पर एक दिन में मेरा 1,00,000 खर्चा हो गया था, तो जिंदगी भर डर तो लगेगा ना? नहीं लगेगा है? पर बाकी के 9 दिन 10,000 का भी खर्चा नहीं कराया, उसे याद करके हिम्मत नहीं हुई क्या? हाँ? तुम जो मांगो शायद अब ना दे पाऊं तो। बंद दो। टीवी एसी मांगा था, टीवी दिलाया, लेकिन एसी के बदले रस्सी और डंडा दिया। मैंने कुछ बोला क्या? मैं गुस्सा होता हूं तो मुझे ही नहीं पता मैं क्या करता हूं। गाड़ी के दरवाजे पर तुमने कितनी जोर से पैर मारा था, आगे मत मारना। उस दिन जो स्टेशन पर किया था, हाथ मिलाकर छोड़ तो नहीं दोगे? लक्ष्मी, क्या किया तुमने इसे? क्या जादू किया इस पर? पैसों के लिए तुमने इसे फंसाया है ना? हाँ छोड़ो छोड़ो।
ये मेरी है, मेरी बेटी है। आपने नहीं समझाया इसे? अगले 2 घंटों में सगाई है इसकी, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, मेरी इज्जत का क्या होगा? सिर्फ आपकी ही इज्जत है आंटी, मेरे पापा की नहीं थी। आपकी प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, उनकी जायदाद कीमती नहीं थी। अगर हमें पैसों के लिए ट्रैप करना आता ना, तो पापा के दिए हुए पैसों का एग्रीमेंट बन जाता, या फिर आपके बिजनेस में हिस्सा मांगते। अगर ऐसा होता तो आप हमारी जगह और हम आपकी जगह होते। आनंद, ये सब किस लिए? रोकिए मत अंकल जी, इन्हें आज जानना ही होगा। इन्होंने जो पालकी उठवाई थी, उसे हम कितने सालों से ढो रहे हैं, ये बात इन्हें क्लियर पता चलनी ही चाहिए। आंटी, मैं 4 बातें बताता हूं, अच्छे से सुन लो। हमारे पापा की समाधि पर आपका यह महल बना है। उनकी जान गिरवी रखकर आपने लोन लिया था। वो आपको बहुत मानते थे, लेकिन उनका रिश्ता, उनकी इज्जत आपके लिए मिट्टी समान है। हम जो कुछ ऊपर उछालते हैं, वो दुगनी स्पीड से नीचे आता है। फूल फेंकेंगे तो फूल, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर। आपने हमारे पापा को ऊपर फेंका, लेकिन वापस मैं आया दुगनी स्पीड से। मेरे पास आप जैसा महल तो नहीं होगा, लेकिन रानी मेरे पास है।